Definitely बहुत प्यारी लग रही हैं आप. Wow. कहाँ से लिया ये जैकेट? फ्रांस से. फ्रांस से? हम्म. पिछले एक साल से तो फिल्म सिटी में घूम रही. फ्रांस कब गई हैं आप? फर्स्ट है फिल्म सिटी, फर्स्ट है फ्रांस. ओके. वाव. क्या जवाब दिया, मतलब ही कोई नहीं. अच्छा, दुनिया में हर इंसान को टेंशन रहती है, मैंने देखा है. कोई भी ले लो, बड़े से बड़ा, अमीर आदमी, गरीब आदमी, हर को टेंशन रहती है. और ये कार्यक्रम बचपन से शुरू हो जाता है. जब हम अपने बच्चों को कहते हैं ना कि बड़ा होके क्या बनेगा, तो बच्चा तो बच्चा कहता मैं डैडी बनूंगा, उसको क्या पता. और बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि बच्चा बड़ा होने भूल जाता है. अच्छा, आम लेडीज की यही चिंता रहती है कि शाम को क्या बनेगा. हाय हाय. और दास दादा जैसे लोगों की ये चिंता रहती है 8 बज गए ग्लास कब बनेगा. तो ये भी आम आदमी को रसोई गैस की प्रॉब्लम रहती है, बड़े आदमी को पेट की गैस की प्रॉब्लम हो रही होती है. एक सोच रहा होता खाना कैसे बनेगा, दूसरा सोच रहा होता जो खाया वो कैसे पचेगा. बहुत सी जगह ना टेंशन होती नहीं, हम ले लेते हैं. आदमी ऑफिस में और बीवी फोन करके उसको बोल देना कि आप घर हो, आपसे कुछ बात करनी है, बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. उसे ऑफिस की सुनीता से लेकर पड़ोस की बबीता तक सब याद आ जाती है. वो यही सोच में रहता है कि बीवी के हाथ ऐसा क्या लग गया है, घर जाऊं या अपना एक्सीडेंट करवा लूं. कम से कम एक दो दिन अस्पताल में रहूंगा, सवाल नहीं करेगी. कहीं तो फिर छाती में दर्द का बहाना लेके जाते. छाती में दर्द हो रहा है, तुम क्या कह रही थी फोन पे. तो कहती कुछ नहीं, मेरी माँ आ रही है. उसको सच में दर्द शुरू होने लगता है. कहने का मतलब ये है कि हम सभी किसी ना किसी टेंशन में रहते हैं, ऐसे में हमें जरूरत होती है मोटिवेशन की. तो आज हमारे बीच 3 ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूं लाइफस्टाइल कोच, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर श्री गौर गोपाल दास जी. बहुत बहुत स्वागत है सर. बहुत बहुत स्वागत है सर. बहुत बहुत स्वागत. जोरदार तालियां हो जाए एक बार. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया. और आज पता मैं बड़ी दुविधा में हूँ सर. क्यों? मेरे को पहले ये नहीं समझ मैं आपको सर बुलाऊं, गुरुजी कहूं, स्वामी जी, मैं क्या कह के संबोधित करूं आपको. अरे सबसे पहले तो मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने और आपके प्रोडक्शन कंपनी ने मुझे यहाँ पर आज बुलाया शुक्रिया इस कपिल शर्मा शो के लिए. मतलब ये तो सबको हंसाते ही रहते हैं. दुनिया में इतना गम है लेकिन इनके गम को कम करने का काम तो इन्होंने ले रखा है. आशीर्वाद है सर. आप भी बहुत हंसाते हैं. कोशिश करता हूँ जी. इन्होंने मुझे पूछा कि मुझे किस नाम से संबोधित करें. हाँ, हाँ, हाँ. तो मैं कई बार कहता हूँ कि किसी भी नाम से बुला लीजिए, दिल से जो प्यार रहा से बुलाया जाता है ना तो नाम कुछ भी चल जाता है. बहुत सही, लेकिन बहुत सही. लेकिन जब आप ये लिबर्टी दे देते फ्रीडम के किसी भी नाम से बुलाए तो हाय. किस किस नाम से मुझे बुलाया गया है और मेरे नाम का क्या कचुंबर किया गया है. अच्छा जी, एक कार्यक्रम में, एक प्रोग्राम में मैं गया था, मुझे उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच में गोल गोपाल आए हूँ. मतलब मेरा सर तो गोल है. गोल गोपाल. अच्छा, मैं अमेरिका गया. अमेरिका में मुझे कहा सो वी हैव अमंगस्ट ऑल ऑफ अस गोल्ड गोपाल दास. ये तो फिर भी ठीक था. हाँ. गोल तो ठीक ठाक था, गोल्ड भी. फिर एक मराठी प्रोग्राम में गया बंबई में. अच्छा जी. तो मराठी प्रोग्राम में कहते हैं आज आपल्या मध्ये गोड गोपाल दास आले आहेत. तो गोड भी थोड़ा मीठा है, ठीक है. सबसे भयंकर वाला बता तू. हाँ. आज हमारे बीच घोर गोपाल दास आए. अभी घोर तो मैं हूं नहीं जी. वाह क्या बात है सर. आपको पता है मैं तो कंफ्यूज था कि मैं सर को क्या कह के बुलाऊं. हमारे प्रोडक्शन वाले बड़े कंफ्यूज थे. नॉर्मली क्या फिल्म वाले लोग आते हैं सर यहाँ पे, तो वो पूछते हैं बर्गर पिज्जा ये सब मंगवाते हैं. आज मुझे आके पूछा सर फल लेंगे दूध लेंगे. मैं कह यार सर आज आप हमारे शो पे आए हैं, आप भी मानते हैं कि जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है. बिल्कुल 100% हंसना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि दुख तो यूं भरा पड़ा है. मतलब किस कितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है यहाँ पर. सबके. अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे अपेक्षा करें कि मैं उनमें विश्वास करूंगा. लो कर लो बात. जिस जिंदगी में तो प्रॉब्लम होगी ना, जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही. बिल्कुल. वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता. हाय हाय क्या बात है. मैंने देखा सर के इंस्टाग्राम पे 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बाकी सोशल मीडिया अलग है सर. तो मेरा सवाल आपसे ये था कि दुनिया को मोह माया से दूर रहने का पाठ पढ़ाने वाले गुरु
जब सुबह उठते हैं तो आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर दो कि रात के बाद कितने फॉलोअर बढ़े मेरे, क्योंकि ये रोज देखती हैं अर्चना जी, एक एक घंटे बाद चेक करती हैं ये। इतना झूठ बोलता है ना ये इंसान। अभी नीचे रखा होगा फोन। चुप कर। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके किसी भी बात पर विश्वास मत करना, ये मेरे ऊपर जो भी बोलता है ना कॉमेंट वो असत्य है। जो झूठ बोलता है उसको कौवा काटता है जी। और यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू साहब बैठते थे, उनको भी दिनेश ने आउट किया, इनका कोई हाथ नहीं है। ये भी बात असत्य है। धन्यवाद। आप में से कितने लोगों ने कभी उपवास किया है, जैसे धार्मिक उपवास? किसी ने रोजा किया यहाँ जी? किसी ने जन्माष्टमी नवरात्रि की है? किसी ने पर्युषण किया है? पर्युषण है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप कट टू 2023 है जी, आपको अगर 2023 में उपवास करना है ना, एक दिन बिना स्मार्टफोन के, बिना इंस्टाग्राम के, बिना व्हाट्सएप के, बिना फेसबुक के, बिना लिंक्डइन के, बिना ट्विटर के, बिना स्नैपचैट के, बिना गूगल के, बिना टिंडर के, एक दिन ऐसा उपवास करके दिखाइए, खुदा नीचे उतर के आएगा, बोलेगा बस कर पगले, रुलाएगा क्या? वाह। तो वाकई ये बात हंसी मजाक में कही है सर ने, लेकिन बड़े काम की बात है असली। और क्योंकि हमारी जिंदगी में इतना घुस चुका है सर इंस्टाग्राम, आदमी 250 ग्राम का और के रह गया है, क्योंकि हर जगह इंस्टाग्राम। और यंग बच्चे तो हैं ही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं हटते हैं, शूटिंग चल रही है, अलग से बीच में ब्रेक होती, मैडम अपना फोन लेके आ जाती, और सुनाइए फिर कैसे हैं आप? नहीं क्यों? मतलब हद हो गई है। मैं अपने शो का प्रमोशन करती हूँ कब? हाँ बड़ा प्रमोशन, बड़े आपके 4 करोड़ फॉलोअर है ना। इतना घमंड ना कर कपिल। नहीं घमंड मैंने कब किया है? मैंने कभी कहा मेरे 44 मिलियन है? कभी नहीं कहा। अच्छा सर का एक कोट है, व्हेन पीपल स्माइल इट डजंट मीन दे आर डूइंग गुड, इट जस्ट मीन दे हैव चोजन टू स्माइल। तो सर आपको क्या लगता है कि ये इंसान के अपने हाथ में है, वो खुद डिसाइड कर सकता है कि मुझे खुश रहना है, या उसकी पत्नी के हाथ में है, या उसके बॉस के हाथ में है, या गर्लफ्रेंड के हाथ में है? आपको मैंने हमेशा स्माइल करते देखा है, इसका रीजन ये तो नहीं कि आप अकेले हैं? एक बार 15 अगस्त को किसी ने मुझे मैसेज भेजा, और वो वाला मैसेज जानते हैं आप जो होता है लंबा, एक लाइन ऊपर लिखी रहती है फिर डॉट 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 डॉट, तो उसमें लिखा था फर्स्ट स्क्रॉल डाउन एंड रीड द मैसेज ओनली इफ यू आर सिंगल। तो मैंने कहा मैं तो क्वालिफाई करता हूँ, तो मैं नीचे क्या हुई डॉट 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 डॉट, 15 अगस्त था, नीचे लिखा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी आपको एक बात बताऊंगी, देखिए हमारी खुशी की जिम्मेदारी अगर हम किसी और के हाथ में दे देंगे ना तो जिंदगी भर मायूस रहेंगे। बाके। और इसीलिए जितना हम अपनी भावनाओं का, अपने जज्बातों का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं ना, उतना खुश रह पाएंगे, और फिर चाहे वो आपकी पत्नी हो, अपने बॉस हो, उनसे प्यार कर पाएंगे जैसे भी वो हो। नहीं तो बस यू रिमोट दबा रहे हैं जी लोग, दुनिया के हाथ में, दूसरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल अपनी जज्बातों का मत दो, धीरे धीरे वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में। अच्छा मैंने सर का एक वीडियो देखा जिसमें ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे थे, और गाना भी गा रहे थे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, गुस्ताखी माफ सर, मतलब आपको ये स्टूडेंट होने का एक्सपीरियंस है क्योंकि आप कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं, कि या कभी मोहब्बत में भी पढ़े हैं कभी? ऐसे मतलब ऐसे पूछा सर। कपिल आज बहुत लिबर्टी ले रहे हैं। हमेशा लेता है। बोले हाथ में ये भोला भाला गंजा साधु आज हाथ में मिल गया है, आज इनका बराबर से लिबर्टी लेके आज इनकी खूब खिंचाई करते। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी मैंने जी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में इतना मशगूल हो गया कि प्यार मोहब्बत के लिए समय ही नहीं मिला। और जब इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म हो गई तब जो मैं कर रहा हूं उससे प्यार हो गया। वाह। तो ये यहां से यहां आ गया, लेकिन आज की तारीख में जो जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जिनके दिल टूटते हैं, जो चन्ना मेरे या गाते हैं, जो ए दिल है मुश्किल गाते हैं, वो मेरे पास आते हैं रोने के लिए,
जब ए दिल है मुश्किल भी सुकून नहीं देता, जब चन्ना मेरे आ भी सुकून नहीं देता, तब कहाँ जाए, है ना घोर गोपाल दास जी। एक का हार्ट ब्रेक हो गया। अच्छा जी, 10 साल से रिलेशनशिप में थे दोनों, और वो इतनी शराब पी चुकी थी, वो ये थोड़ा मॉडरेटली ड्रंक था उस दिन। अच्छा जी, ये पूरी टिप्सी, टल्ली पूरी, मैं आम आदमी की भाषा में, जी 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 जी, पूरी टिप्सी, टल्ली मैं नहीं बोलूं। तो इसने उसके माता पिता को ऐसी गालियां दी गंदी गंदी, शराब के नशे में। अच्छा जी, ये तो मॉडरेटली ड्रंक था, तो इसको समझ में आया कि भाई लड़की अच्छी है, मेरे से जमती है, लेकिन इसके मन में मेरे पेरेंट्स के लिए क्या है। तो अगले दिन उसने कहा हम ब्रेकअप करेंगे, तो ब्रेकअप तो हो गया। मेरे पास आया, 10 साल का रिलेशनशिप है, बिना पूछे मेरी गोद में सर रख के रोने लगा। सब ऐसी होती है, सब ऐसी होती है। मैंने कहा मेरे भाई कूल डाउन, तुझे खट्टे अंगूर मिले इसका मतलब सारे अंगूर खट्टे नहीं होते। फिर मुझे शेर बोल रहा है। अच्छा, कहता है दिल बोली आंख से, अच्छा दिल बोली आंख से, तुम देखा करो कम, हाँ। देखते हो तुम और तड़पते हैं हम। है। फिर रोते रोते आगे बोलने लगा, आंख बोली दिल से, आंख बोली दिल से, तुम चाह करो कम, चाहते हो तुम और रोते हैं हम। सब मैंने तो कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन ये जो मोहब्बत के एपिसोड सुलझाते सुलझाते मैं मोहब्बत कोच हो गया। सर बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए। सर हमने ना ज्यादातर लोगों को देखा, कुछ नया करने जाते हैं ना, तो इस बात से बड़ा घबराते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। पहली बात तो ये चार लोग कौन है सर, कहाँ रहते हैं ये, हमें तो दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मन में डर क्यों बैठा रहता है सर? आप प्लीज विराजमान हो जाइए। हाँ जी, हाँ जी। ये इन लोगों से कैसे छुटकारा पाए हम? मेरी माँ मुझे बड़े साल कहती रही तू शादी नहीं कर रहा, चार लोग क्या कहेंगे। वो चार लोग शादी में भी नहीं आए, वैसे काफी सारे आए पर वो चार लोग नहीं आए। मैं कई बार कहता हूं अगर दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये भी आप ही सोचेंगे, तो वो क्या सोचेंगे? अरे उनको सोचने के लिए कुछ छोड़िए ना भाई। और अंग्रेजी में इसको नॉइज और वॉइस कहते हैं, बाहर के जो लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं, जो सलाह होती है, जो मत होते हैं, जो राय होती है, वो सब नॉइज है। चाहे कितनी अच्छी इंटेंशन भी हो लेकिन नॉइज है। और इस सब नॉइज में, इस आवाज में अपनी वॉइस को नहीं भूलना चाहिए जी, अपने अंदर भी एक वॉइस है। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं जी कि दूसरों की बात सलाह मानने में कोई दिक्कत नहीं जब उसमें कोई सच हो, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन फिजूल की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। मैं कई बार बोलता हूँ कपिल जी, आज मैं कन्फेस कर रहा हूँ आपके सामने जी, मैं जब भी स्टेज पे पहली बार किसी भी इवेंट में जाता हूँ, जैसे स्टेज पे आता हूँ तो मैं कहता हूँ, आपका नाम लेता हूँ ऑल इवेंट्स। अरे वाह। ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कहा है कि गुरुजी आपको जो बोलना है ना तब बोलिए, लेकिन हमारी ऑडियंस को ना मजा आना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ ये जो कहते हैं कि हमारी ऑडियंस को मजा आना चाहिए, मैं क्या कपिल शर्मा हूँ? स्टैंडर्ड लाइन है मेरी। अरे वाह। तो इसलिए देवियों, सजनों, दोस्तों, दूसरों की बात मानते मानते खुद को भूल मत जाओ। खुद को क्या करना उसको दूसरों की राय से ज्यादा अपनी खोज करनी ज्यादा जरूरी है। क्या बात। तो उन चार लोगों को चार कोने में बंद कर दो और अपनी आवाज को सुनो। हाँ जी मम्मी, ठीक है। आज तो आपको बैठा के सुनाने लाए लगता है। अच्छा ऐसा कहा जाता है ना कि इंसान को लाइफ में जब कुछ झटका लगता है वो सब छोड़ छाड़ के अध्यात्म की तरफ आ जाता है। सर जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, तो तारें जोड़ते जोड़ते कौन सा ऐसा झटका लगा कि जो आप अध्यात्म की तरफ आ गए? कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि झटका लगने से ही अध्यात्म की ओर आते हैं लोग। जैसे नौकरी नहीं मिली, छोकरी नहीं मिली, कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी कहा। तो हमारे समय 3 ही ऑप्शन थे हमारे पास, इंजीनियर बनो,
डॉक्टर बनो या फेलियर बनो, तीनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थे। उसमें से मुझे इंजीनियरिंग मिल गई, और इंजीनियरिंग के बाद तो सब लोगों को अपना करियर बनाना होता है। एक लड़का एमबीए कॉलेज के बाहर एमबीए के लिए गया, फॉर्म भर रहा है, वॉचमैन से पूछा, भाई साहब एमबीए यहाँ करना चाह रहा हूँ, यहाँ से कॉलेज कैसा है? वॉचमैन ने कहा, बहुत बढ़िया, मैंने यहीं से एमबीए किया। तो मेरे साथ इंजीनियरिंग करने के बाद ये नौबत तो नहीं आई, अच्छी जॉब मिली हिवलेट पैकेट में, लेकिन मैंने एक बात अपने आप को एक सवाल पूछा बस, कि मैं सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा मेरा वक्त मेरे काम में जाएगा। हम अपने फैमिली के साथ कितना वक्त बिताते हैं, सवेरे थोड़ा, शाम को थोड़ा, वीकेंड पे थोड़ा, और यदि हमारे काम पे हमारा सबसे ज्यादा वक्त जाने वाला है, तो क्या उस वक्त में हम वो करेंगे जो हमको पैसा तो खूब दे रहा है लेकिन जच नहीं रहा यहाँ? तो मैं जो कर रहा था वो बहुत बढ़िया कर रहा था, लेकिन वो यहाँ खुशी नहीं मिल रही थी। तब फिर सोचा कि भाई ये नहीं चलेगा, अब तो निकलना पड़ेगा यहाँ से। रिस्क ली, और मतलब कैसी रिस्क, कि आगे पीछे क्या होगा कुछ पता नहीं, कूद गया। और मैं कई बार कहता हूँ, समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है, दुख तो उन पे होता है जो किनारों पे मर जाते हैं। वाह, इतने घंटे बिताने हैं मुझे वहां, वो करते करते नहीं मरूंगा जो मेरी रूह तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए ये शिफ्ट किया। क्या बात है, दिल से निकलनी चाहिए, दिल से, दिल से निकलनी चाहिए। हर किसी को ये लग्जरी नहीं होती गौर साहब, कि वो ऑफिस ना चूज करे, अपने दिल की माने। जी जी जी, क्योंकि दिल की बात जो चूज करते है ना, जैसे मैंने की, अगर यहाँ के कोई यंग नौजवान लड़के लड़कियां बैठे, वो तो उनको तो बहुत अच्छा लगेगा कि चलो ये छोड़ देते हैं मेनस्ट्रीम करियर, फॉलो योर पैशन। लेकिन कई बार सच्चाइयां भी होती है, और सच्चाई होती है कि घर में ईएमआईज होते हैं, लोन्स होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती है, कई बार बीमार लोग होते हैं जिनके खर्चे होते हैं, और उस रियल लाइफ नीड्स के लिए पैसे लगते हैं। तो मेरी उन सबके लिए एक राय है कि आप लोग ना अपना मेनस्ट्रीम करियर अभी नहीं छोड़िएगा। मैं पागल था, मैंने रिस्क ले ली, इतना ज्यादा, इतनी मोहब्बत हो गई जो मैं कर रहा था उससे कि वो रिस्क ले ली, क्योंकि मोहब्बत में आदमी रिस्क ही लेता है। इसलिए कहता हूं मैं, कह भाई, लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज द आई ओपनर। सॉरी सॉरी, जोक्स अपार्ट। तो मैंने वो रिस्क ले लीजिए, रिस्क लेके मैं कूद गया इसमें, लेकिन मैं किसी को एडवाइस नहीं करता कि ये रिस्क ले, रियल होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए। ये अपनी मेन स्ट्रीम से पैसे कमाए, और साथ साथ में जो भी पैशन है ना, थोड़ा थोड़ा साइड में करते रहे, एज अ हॉबी, हॉबी से करते रहे, हो सकता है कि वो एक दिन इतना डेवलप हो जाए कि ये छोड़ के आप वही करें अपना मेन करियर। ट्रू ट्रू, वैसे तो कर ही सकते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच। पर जैसे अर्चना जी, आपने भी, अर्चना जी देहरादून से बिलोंग करती हैं जी, और उस समय आज से 35 साल पहले या 36 साल पहले जब आपने सोचा मुझे हीरोइन बनना है, आपने भी दिल की सुनी ना अर्चना जी, ऐसा तो नहीं है? तो अब ये मेन स्ट्रीम काम तो ये कर रही है, फिर जो इनका पैशन है, यहाँ से पैसे कमा के फिर ये वेगस जाती है, वहां जुआ खेलती है। सर, इनका ना रोज बदलता रहता कुछ ना कुछ, जैसे पहले पहले तो ये फिल्मों में आ गई, इनको पता चला फेमस हो जाऊंगी मैं, ये वो पैसा कमाऊंगी, फिर इनको पता चला टीवी में भी पैसा है, फिर ये टीवी में आ गई, अब बीच में ये मुझे कह रही थी, कहती मुझे ना प्रवचन देने हैं। तो मैं क्या, उसके लिए आपके फॉलोअर भी होने चाहिए। कहती एक तो बन गया, मैं कहा कौन? कहती परमीत सेठी, इनके हस्बैंड है। तो वो आपके फॉलोअर नहीं, गुलाम और फॉलोअर में फर्क होता है। शुरू हो गया फिर से। अच्छा, जैसे सर आम आदमी को तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है जी, आपको कभी गुस्सा आता है? जी, मुझे ना ऐसे स्पॉटलाइट में डालते हैं हमेशा लोग, कि आपको कभी डिप्रेशन होता है, आपको कभी गुस्सा आता है, आपको कभी लो लगता है, और मेरा हमेशा सवाल होता है उनसे, क्या मैं इंसान हूं? कोई भी अगर इंसान हो ना, तो इंसान के जज्बात होते हैं। मेरे हिसाब से लो लगना ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लो रहना वो ज्यादा प्रॉब्लम है। गुस्सा आना ये उतना प्रॉब्लम नहीं है, गुस्से में अनाप शना बक देना ये बड़ा प्रॉब्लम है। 25-26 साल में ये कहना कि मुझे गुस्सा नहीं आता जाती होगी, ये कहना कि मैं गुस्से में रिएक्ट नहीं करता ये सच्चाई होगी। मैंने अपने गुरुजी से एक बहुत 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 वैल्यूबल एक शब्द, एक लफ्ज, एक वर्ड सीखा है, वो वर्ड है वेट। अच्छा, गुस्सा आ रहा ना, थोड़ा सा बस
रुकिए, आपको कोई नहीं कह रहा कि उसको आप कुछ मत बोलिए, अभी मत बोलिए बस, क्योंकि अभी कर देंगे ना, क्या बक देंगे, क्या बोल देंगे, क्या अनाप शनाप मुंह से निकलेगा, और फिर जाके अपने तकिए में बैठ के गिल्ट होती है, मैंने क्यों बोला, क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, उसको चोट पहुंच गई, वो कैसे, उसको कैसे लग रहा होगा, अभी मैं SMS करूं सॉरी डार्लिंग, मैं क्यों करूं, उसने भी तो गलती की थी ना, नहीं लेकिन बोलना चाहिए ना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्यों बोलूं, मैं तो सही था, वो तो गलत थी, इसी चक्कर में घूमता रहता है वो बेड में SMS और व्हाट्सएप पे। तो ये देखिए ना हमारी इमोशंस कैसे चल रही है, एंगर गिल्ट एंगर गिल्ट एंगर गिल्ट। तो ये जो गोल्डन वर्ड मैंने सीखा ना वेट, इसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा जादू लाया है। तो मुझे भी गुस्सा आता है जी, लेकिन उस गुस्से को रिएक्शन में मैं थोड़ा समय देता हूँ, रुकता हूँ, और उस रुकने से बहुत सारे रिश्ते बचे हैं मेरे। क्या बात। अच्छा, इंसान जब बातें सुनता है इनकी सोचता है आज से टेंशन लेनी, लेकिन जैसे ही इनके वहां से बाहर निकलता है और देखता है जूते गायब है मेरे, फिर टेंशन में आ जाता है, कल ही नए लिए थे, है ना। तो टेंशन कैसे सर हो ही जाती है टेंशन भी ना। जी जी, हमारे टेलीकास्ट का इशू हो जाता है कभी कभी, कभी हमारा हमारी स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती है, कभी हमारा कुछ डिले हो गया, कुछ छोटी छोटी बातों को लेके टेंशन हो जाती है। क्या करें सर इसका। जी 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 जी, तो टेंशन के लिए जी, रोज की स्ट्रेस के लिए जी, रोज की कुछ रीजंस होंगी। एक बात मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ कि देखिए, हमेशा अपने माइंड में दो सेक्शन बनाइए, एक सेक्शन आपके हाथ में क्या है, कंट्रोल में क्या है, और दूसरा आपके हाथ में क्या नहीं है। अगर आपके हाथ में है तो उसकी प्रेशर और टेंशन लेनी चाहिए ना, तब तो सुलझेगा ना प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके हाथ में चीज नहीं है, उसकी टेंशन लेके तो आपकी सेहत खराब हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आपकी पीस खराब हो रही है, आपकी रिलेशनशिप्स खराब हो रही है, वो आपके हाथ में थी ही नहीं। देखिए, जो हमारे हाथ में नहीं होता उसको बदलने की कोशिश करना तो बिल्कुल वैसा होता है जैसे दीवार पे जाके अपना सर पीटे, दीवार नहीं हिलेगी, सर को चोट पहुंचती है। और दीवार कब हिलेगी, जब कोई एकदम टिप्सी वाला होता है ना वैसे। वो एक बार आया मेरे पास एक, अच्छा, और पूछता है, गुरुजी आप बताइए 15 लीटर दूध पीने से ज्यादा शक्ति आती है कि 200 ml वोडका। तो मैंने कहा, भाई देख, मैंने तो कभी शराब पी नहीं है और न मैं पीता हूँ, तो मैं तो दूध से जाऊंगा, 15 लीटर दूध में ज्यादा शक्ति है। बोला, गलत गुरु जी। मैंने कहा, कैसे? बोला, 15 लीटर दूध पीजिएगा और जाइए और दीवार को लात मारिए, सर से मारिए, दीवार हिलेगी नहीं हिलेगी। अब 200 ml बिना सोडा के उड़का पीजिए, उधर ही खड़े रही, दीवार अपने आप हिलने लगी। तो देखिए, जिंदगी में ऐसी दीवारें खड़ी रहती है जो आपके मारने से हिलने वाली नहीं। बिल्कुल, वो चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन कई चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे बस में है, हमारे हाथों में है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसको हमारे मन से भी निकाल देना चाहिए, और जो चीज हमारे हाथ में है उसको हमारा मन का पूरा फोकस करके उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे एक बात याद आ गई, एक आदमी था बहुत पीता था, वो उसके सपने में भगवान आए, कहते तू बंदा बड़ा अच्छा है पर तू पीता बहुत है, कुछ तो तेरा करना पड़ेगा। तो 75 साल की उम्र में या तो तेरी याददाश्त जाएगी या तेरे हाथ कांपेंगे, बता क्या करें? तो कहता है, हाथ कपवा दो भगवान जी, याददाश्त ना जाए। कहता क्यों? कहता हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एक पैग नीचे गिर जाएगा, अगर भूल ही गए बोतल कहाँ रखी है। अरे गोपाल दास जी, नमस्ते, कैसे हैं सर? बस ठीक, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी। शर्मा जी जल्दी से 1000 रुपए दो ना, वो प्याज खरीदा है सब्जी वाले को देना है। 1000 रुपए के प्याज लेके आई है? अरे नहीं, प्याज 50 की है, वो पार्लर में देना है, तैयार हो के आई हूँ। अच्छा, ये तैयार हो? इससे अच्छा प्याज 950 के ले आती, सब्जी तो अच्छी बनती। आ गई गुरु जी, यही है मेरी समस्या। ये कैसे अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाओ शर्मा जी, इतने अच्छे खास मेहमान आए आज हमारे घर में। बैठो बैठो बिंदु। सर आपके, मैंने देखा आपके पास हर समस्या का समाधान होता है, तो ये रही मेरी समस्या। इसका समाधान बताइए कोई। समस्या क्या, वाइफ हूँ मैं तुम्हारी। प्राचीन काल में वाइफ को समस्या कहा जाता था, आपको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है। अच्छा,
तो हस्बैंड को क्या कहा जाता था? हस्बैंड को कहा जाता था कि कोई नहीं, बुरा वक्त है, टल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। उनका नाम भी परमीर सर ने समस्या पूरन सिंह रखा है। देखिए शर्मा जी, इतिहास गवाह है कि पत्नियों ने ही पतियों को इंसान बनाया है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ही ने बनाया, उससे पहले तो हम पेड़ों पर रहते थे। वो सब पता नहीं, लेकिन सर ये ना मुझसे शादी करने के लिए ये मेरे पीछे पीछे घूमता था और अब देखिए। यही गलती हो गई सर, पीछे पीछे घूमता रहा, आगे जाके देख लेता तो बच जाता मैं। बहुत परेशान करती है ये मेरे को। सर मैं क्या करूं इस इंसान का, मैं मंदिर गुरुद्वारा सब जगह गई हूं लेकिन ये खुश ही नहीं होता। मैं कहां? मायके गई हो कभी? मायके जाके देखो, ना खुश हुआ तो मेरा नाम बदल देना। सर शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी लड़कियों को देखता रहता है। ऐसी बात नहीं, मैं जब शादी नहीं हुई थी तब भी देखता था। मैं सेम कंसिस्टेंटली मैं रहा हूं परफॉर्मर। तो फिर शादी पे तुमने इतनी सारी कसमें क्यों खाई? कसमें क्यों खाई? क्योंकि सारा खाना तुम्हारे रिश्तेदार खा गए थे, ऊपर से इसकी बहनों ने अलग परेशान किया मेरे को, इतना शगुन मांग रही थी। अरे बेचारी मेरी बहनों ने 100 रुपए तो लिए थे शगुन के। 100 रुपए? 3 दर्जन बहनें आई थी तुम्हारी। देखिए शर्मा जी, लड़कियां ना मतलब अपने बाबुल का आंगन, माता पिता घर सब कुछ छोड़ छाड़ के पति के घर आते हैं। तुम छोड़ के कहाँ आई हो? माता पिता को तो साथ लेके आई हो, 2 साल से इधर पड़े हुए, वो जा ही रहे। देखिए ये सब पुरानी बातें, इन पे सर मेरे मम्मी पापा अभी तो आजकल सिर्फ आपके वीडियोस देखते, तो उनके विचार अभी बदल चुके हैं। ये ऐसी विचार बदल चुके, कपड़े नहीं बदलते बस। वो उस दिन मैंने कहा इतने दिन हो गए आप कपड़े बदल लो, उन्होंने आपस में बदल लिए, माँ ने कुर्ता पजामा पहन लिया, पिताजी ने साड़ी पहन ली, ऐसे हरकतें करते हैं ये। कौन मम्मी पापा? हाँ किसके मम्मी पापा? एक सेकंड, किसके मतलब? मेरे क्या हो गया आप लोगों को? मैं आपकी बेटी हूँ बिंदु। बिंदु कॉमा फुल स्टॉप ब्रैकेट। हाँ ये सब इंसानों के बनाए हुए हैं। और हम दोनों इन रिश्तों से ऊपर उठ चुके हैं। रिश्तों से उठ चुके हैं, नहीं तो बेड से 2-2 बजे तक नहीं उठते ये। लोग अलार्म से उठते हैं ना, ये प्रेशर कुकर की सीटी से खाना बन गया, उठते उठते खाना पीना सोना ये सब शरीर के लोचे हैं, आत्मा तो शांति ढूंढती है, उसी को ढूंढने के लिए हम निकल पड़े हैं। ये जो निकलने वाली बात की ना, मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली। फटाफट आप निकल जाओ जितनी जल्दी हो सकता है। एक सेकंड आप चुप, क्या निकलने कहा, क्या जाने की बातें कर रहे हैं आप दोनों? हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, जीवन में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। एक नहीं हुई है, 8-9 हुई है, एक तो यहाँ है, 8 अंदर है आपकी। देखो दामाद जी, इंसानों से गलतियां होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को मान लेना बड़ा महान कार्य है। बहुत सही। हम अपनी इस गलती को मानते हैं और ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए हम लोग पहाड़ों में जा रहे हैं। तो अलग अलग पहाड़ों पे जाना, आप उत्तरांचल वाले जाओ, आप हिमाचल वाले जाओ, एक पहाड़ पे जाओगे फिर गलतियां करोगे आप लोग। यही सब तानों से मुझे बचना है। गोपाल दास जी आप अपने आश्रम में हमें लेके चलिए, फ्री में रुकने का बहाना ढूंढ रहे हैं ये। सर प्लीज आप इनको अपने साथ आश्रम में लेके जाइए। शर्मा जी अच्छी बात है ना, चले जाएंगे, क्यों ना आज रात को आप और मैं एक अच्छा से डिनर डेट करते, मैं आपके लिए पनीर 2 प्याजा बनाती हूँ। क्या क्या कह रही है तू? क्या 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 कहा है, पनीर प्याजा? तो बेटा 2 प्याजा नहीं 4 प्याजा बना देना। हाँ। बड़ा मजा आएगा खाने में, बड़ा टेस्टी होता है। क्यों? एक सेकंड, अभी तो आपको आश्रम जाना था सर के साथ। फिर कभी चले जाएंगे, वो काम भागा जा रहा है, हैं? अरे पनीर तो कल तक खराब हो जाएगा। देखा हरकतें देखी आपने इनकी। क्षमा करें गोपाल दास जी, चलिए प्लान कैंसिल। चलिए चलिए नाटक हो गया, अंदर चलिए। तो दोस्तों अब वक्त है आज के दूसरे मेहमान को आमंत्रित करने का। ये इन्फ्लुएंसर है, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, लीडरशिप कंसल्टेंट है, बिजनेस कोच है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। तो चलिए बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपके बारे में बता रहा था कि ये इन्फ्लुएंसर हैं, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप कंसल्टेंट हैं, और भी बहुत कुछ है। आप सब कामों में अच्छे हैं कि एक काम पे भरोसा नहीं था आपको? इतने सारे काम कैसे कर लेते डॉक्टर साहब आप? देखिए वैसे तो कहते हैं कि जिसकी जिंदगी में बहुत सारे गोल उसकी जिंदगी हो जाती है गोल गोल।
तो एक ही फोकस होना चाहिए. मेरा फोकस है बिजनेस कोचिंग. हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं और अच्छा लगता है बता के भारत देश को के लिए हमने एक प्राइड बिल्ड किया है कि वर्ल्ड का नंबर वन एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल बनाया है और आज भारत में हम 11 विश्व रिकॉर्ड लेकर के आए हैं. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है. क्या बात है सर. हमने आपके पुराने वीडियोस देखे हैं और आज आपको साक्षात सामने देख रहे हैं. आज मतलब आप इतने स्लिम ट्रिम हो गए हैं. पहले लोगों को मोटिवेट करते रहे, आप खुद को मोटिवेट करने का टाइम नहीं मिला था पहले, अब आपने बड़ा कम कर लिया सर. वो कहते हैं ना कि जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे पहले आपका पेट आपसे आगे निकल जाए. मैंने देखा जब आप फिट होते हैं तो जो काम शायद आप एक घंटे में करते हैं, मुझे लगता है वो 40 मिनट में कर सकते, ऐसा फर्क लगता है मेरे को. एक तो फर्क आता है, दूसरा आप डिफिकल्ट काम कर सकते हैं. मैं प्रोग्राम करने जाते हैं, अजीब गरीब कई बार ऑडियंस मिल जाती है और आपको इतना फिट इतना अलर्ट रहना पड़ता है. प्रोग्राम में मुझे एक बंदा मिला, कहते हैं बिंद्रा जी. मैं कहा हाँ जी. बोले आपका कहना तो सही है पर मैंने रहना वही है. अच्छा. तो यू कीप गेटिंग डिफरेंट पीपल. वो फाइनेंस का मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था तो कि कर्जे से बाहर कैसे निकले. अच्छा जी. हाँ जी, कर्जे से बाहर तो करेज नहीं, कर्जे से बचे पहले. करेज तो इसकी बात चल रही थी तो बात करते करते डेट मैनेजमेंट पे तो बोला भारत में रहने के लिए आधार और भारत से भागने के लिए उधार, दोनों बड़ा जरूरी है. तो आप यू हैव ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस. आपको अलर्ट रहना है, उनके साथ में इंगेज कर पाना है, उनको इन्वॉल्व कर पाना है. तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. और आपने भी बहुत वेट लूज किया, कांग्रेचुलेशंस. सर हाँ जी, मैं बस बीवी करवा देती है सर शादी. और डॉक्टर साहब के अंदर ऐसे खतरनाक स्किल हैं, किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं. अभी स्टूडियो के बाहर हमारे जो गार्ड बैठे हुए थे ना, ये उसको बोल रहे थे तू भी कर सकता है, ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठ, उठ भाग दौड़. वो दौड़ गया, उसकी सैलरी कट गई एक दिन की. आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. वैसे तो आप सब डॉक्टर साहब को जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि बिजनेस की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है और इनके नाम 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया. अभी सर बहुत बहुत मुबारक आपको. और मैं चाहूँगा कि आप बताएं सर, ये 11 जो अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये किस किस चीज़ में है? 11 विश्व रिकॉर्ड बेसिकली कोविड के टाइम पे जब सब लोग अपने घर पे थे, लॉकडाउन हो गया था, तो हम देख रहे थे कि कठिन परिस्थिति में बिजनेस में लोगों को कैसे हेल्प करें. तो हमने कुछ वेबिनार किए, जूम पे वेबिनार्स किए. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेबिनार में 1,500, 2,000, 5,000, 10,000 लोग आएंगे. तो वेबिनार में हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया. तो हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया तो रशिया के पास वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 11,000 लोगों का. अच्छा जी. हमने जब वो वेबिनार किया तो 26,00,000 लोग आ गए उस वेबिनार में. वाओ. और 26,00,000 लोग आए तो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. लॉकडाउन में मैंने दूसरा वेबिनार किया कि लॉकडाउन में सेल्स कैसे बढ़ाएं. तो समस्या बहुत बड़ी थी. पता चला कि ये सेल्स का वेबिनार का वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना के पास था. तो हमने अटेम्प्ट किया तो 35,00,000 लोग जूम के वेबिनार पे आ गए. फिर हमें उसको यूट्यूब पे ले गए, वो वेबिनार बहुत पॉपुलर हो गया. सेल्स कैसे बढ़ाएं, तो ऐसे एचआर पे, फाइनेंस पे, सेल्स पे, ऑपरेशंस पे, मार्केटिंग पे, लीडरशिप पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे बने. और लोगों को फ्री में उनको कैसे कंटेंट फ्री में दे सकें. पर कंटेंट के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, हर बार यूनिक कंटेंट देना बहुत मुश्किल काम है और हर बार आप यूनिक कंटेंट ला करके देते हैं. कॉमेडी की दुनिया में मैं कहूँगा अगर बच्चन साहब के बाद कोई इतने लंबे समय तक रेलेवेंट रहा है तो वो आप रहे हैं. क्योंकि सोनू निगम बार बार पुराना गाना गा सकते हैं फिर ताली बज सकती है, पर बार बार कॉमेडी का कंटेंट रिपीट नहीं किया जा सकता. ये बहुत बढ़िया है. आपने ऐसी बातें बोल दी सर, धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए. अब बारी है हमारे अगले मेहमान को मंच पे आमंत्रित करने की, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अंदाज के लिए फेमस है. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर खान साहब. जोरदार तालियां हो जाए खान सर के लिए. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे. धन्यवाद. सारी दुनिया आपको, आपके जितने भी फॉलोअर हैं सब आपको खान सर बुलाते हैं. अब तो आप बता दीजिए आपका पूरा नाम क्या है खान सर? एक्चुअली क्या है कि एक शिक्षक के लिए खुद के नाम से ज्यादा मायने रखता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए लड़के देश का नाम रोशन करें यहाँ पर. तो वो लक्ष्य मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमको अपने से ज्यादा मतलब नहीं. वाह. मैं खान सर के बारे में बता दूं कि इनका यूट्यूब पे जो एजुकेशनल चैनल है उसके 17 मिलियन मतलब 1,70,00,000 फॉलोअर्स हैं. है? अब 19 हो गए. 19 हो गए. बाप रे क्या बात है. वाओ. तो लॉकडाउन से पहले सर 30,000 थे. हाँ. एकदम लॉकडाउन के बाद जितनी आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ी है उतनी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की नहीं बढ़ी जितनी आपकी बढ़ गई.
ये नेक काम की शुरुआत कैसे हुई थी खान सर? लॉकडाउन से पहले हम लोग ना ऐसे फिजिकली क्लास में ज्यादा पढ़ाते थे। अच्छा जी। क्लास में भी बहुत भीड़ रहती थी, लड़के पढ़ नहीं पाते थे। मजबूरी हो गई लॉकडाउन के बाद यूट्यूब पर पढ़ाना, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हमको भी नहीं समझ में आया कि लोगों ने क्यों इतना ज्यादा सब्सक्राइब करते गए, क्योंकि हम तो वैसे ही पढ़ा रहे थे जैसे पहले पढ़ाते थे वहाँ पे। तो बस ये रहता है कि लड़कों को पढ़ाई से रिलेटेड उसको डाउट ना रह जाए कोई भी, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना तो सबसे पीछे आते थे, हम लोग क्लास के पीछे बैठते थे। हम लोग मान लिए थे कि ये लोग बहुत अच्छे पढ़ने में, हम लोग का तो कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे। और घर वालों को भी लगता था तो जी ले ला, कैसे भी काम चल जाएगा। बाद में हम लोग को पता चला ना कि टीचर की गड़बड़ी थी, हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिया। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाकी एक्चुअली अगर पढ़ाने का तरीका इतना सरल हो, आसान हो, जैसे ना सर मुझे बचपन में ना मुझे हिस्ट्री का पढ़ने का बड़ा मजा आता था। बड़ा होके पता चला कि मेरा हिस्ट्री में तो था इंटरेस्ट, पर मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था जी। आज मुझे थोड़ा लिखने का भी शौक है, एकाध कुछ शायद फ्यूचर में चल के आप वो भी कुछ ऐसा देखें, तो मतलब मुझे शौक है लिखने का। अब जाके समझ में आया कि वो क्यों अच्छा लगता था, उसमें कहानी होती थी। तो ये नहीं हमें पढ़ाया, हमें रट्टा मरवाते थे। तो ये जो आपका ये जो तरीका, ये बहुत ही बढ़िया है। काश हमारे समय में भी ऐसा होता, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे शिक्षक होते। हालांकि हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इतने डिटेल में खान सर मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट को आप जानते भी ना हो और अगर आपका अगर लेक्चर देखे और सुने तो उसमें इतनी रुचि पैदा हो जाती है। बिकॉज हम सब टीचर्स के द्वारा ही पढ़ाए गए हैं और हमारे अच्छे टीचर्स भी रहे हैं, लेकिन जरूर आप में एक बहुत ही खास बात है कि आप हर सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और थैंक यू। इसमें क्या है ना, टैलेंट जो है, ये टीचर्स को विजुअल ट्रेनिंग कैसे देनी है, जो बताया अभी कपिल जी ने, कहानी। मैं एक छोटा एक प्रश्न पूछता हूँ, असैसिनेशन की स्पेलिंग किसको मालूम है? लोग बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मुझे मालूम है। असैसिनेशन की स्पेलिंग होती है भाई एस, एस माने गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, एक और एस, उसके ऊपर आई मतलब मैं, पूरा मेरे ऊपर पूरा देश नेशन, आई नेशन। तो ASS ASSI, मैं ये जितना विजुअल कर दें पढ़ाने को, जितना आसान कर दें। वो याद नहीं होता था रेडियो किसने बनाया, बोला रेडियो चल नहीं रहा, इसको मार थप्पड़ मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी ने बनाया, याद हो गया, मार कोनी ने बनाया। जितना विजुअल कर दो, जैसे आपने कहा कि कैसे किसी चीज को इतना अच्छा समझा देते हैं, वो आधे घंटे के क्लास के लिए पीछे एक हफ्ते का मेहनत होता है। मैं ये भी पूछने वाली थी कि कितनी मेहनत लगती है आपको? वो डिपेंड करता है कि हम कब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते। अच्छा। कभी कभी तो कोई चीजें दो दो महीने से अटकी हुई है, जब तक हम नहीं सेटिस्फाई होते, नहीं इसको ऐसे नहीं, अब लड़के समझो, तब तक नहीं बताते उसे। कहते ना, दुनिया ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने पांव के छाले नहीं देखे। क्या है ना कि हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में इतना पीछे था ना, कभी कभी अपने आप को से डर लगने लगता था, या हम कहाँ आ गए, हमारा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो लेकिन ना कुछ सीखने का बड़ा शौक था। हाँ। तो जैसे एक फिल्म बनाने से पहले डायरेक्टर कितने महीने की प्रैक्टिस करता है, 2 साल की मेहनत के बाद एक 3 घंटे की फिल्म बनाना पड़ता है। उस तरह से थोड़ा काफी मेहनत करना पड़ता है पीछे से, तब जाके समझ में आता है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने से थोड़ा समझ में आ जाता है कि क्या कहाँ पे कौन सा चीज डाउट आएगा वहाँ पे। और आपसे पढ़ाई करने का ये भी फायदा है, ये पीट नहीं सकते ना YouTube चैनल से, अंदर से निकल के थप्पड़ भी नहीं मार सकते। हमें तो पीटा ही इतना है ना, हम तो मतलब टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते थे। कभी बचपन में पूछ भी लिया ना कि सर सूरज कितना दूर है, तुझे जाना है उधर। मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ दोस्ती करो उसके साथ। आजकल माहौल बहुत बदल गया, अब तो बच्चों की पिटाई भी नहीं होती, हमारे बड़ी पिटाई होती थी। हम भी कहते हैं हमसे भी लड़के नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पूछने की नौबत ही नहीं आती है, क्लियर हो जाता है ऐसे ही। वाह क्या बात। मैंने देखा है सर आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है, तो जब आप कहे कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब आपके। तो जब कभी आप कोई नया वीडियो डालते हैं तो आप उनको पर्सनली मैसेज करते हैं कि किसी चीज पे डाउट हो तो कॉल मी एनी टाइम, ऐसा करते हैं आप। अच्छा विवेक सर के बारे में हमने सुना है कि किसी को बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो 5 सेकंड के अंदर जवाब दे देते हैं। जब भाभी जी आपको तैयार होने के बाद पूछती मैं कैसी लग रही हूँ, 5 सेकंड में जवाब दे पाते हैं आप? देखिए इसमें तो सभी लोग पीड़ित है और हर जगह हर घर में ये जरूर सुना होगा सबने कि बच्चों के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही है, वरना तुमको तो कब का छोड़ के चली गई होती। ये बड़ी कॉमन बात है। परमेश्वर बोलते हैं आपको ऐसा, आप तो कभी नहीं बोलती होंगी। इनका उल्टा है, इनका एटीट्यूड पति वाला है वैसे तो, इसलिए क्या
प्रॉब्लम है, औरतों को मतलब मर्दों से कम बिल्कुल मत समझो। नहीं ठीक है, पर ऐसे मुक्के वगैरह नहीं मारने चाहिए आप। सर आप आपने अभी तक शादी नहीं की ना खान सर? नहीं। इतने पॉपुलर हो गए आप, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, तो बड़े सारे प्रपोजल तो आते होंगे आपको? अभी इधर इधर कुछ नहीं ऐसा। खान सर पर्सनल सवालों का जवाब कम देते। अच्छा। वैसे हम शादीशुदा लोगों को देखने के बाद हमको थोड़ा सा और। अच्छा कई बार ना इंसान ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेना तब भी कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है बड़े सपने देखो, गाड़ी लो, बैंक बैलेंस बनाओ, कोई कहता है कि इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, ये दुखों का कारण है। हम किसकी सुने गुरुजी? सुने सबकी, करे खुद की। जो दिल से निकले, दिल से निकले, क्योंकि जो सुनते हैं हम कई बार सुनते हैं और उसको खुद की प्रोसेसिंग करते ही नहीं है, और जब दूसरों की बातें सुनकर बिना प्रोसेस करके फॉलो करने लगते उसी को तो मंद श्रद्धा कहते हैं। बिल्कुल, उसको प्रोसेस करें, अपने दिल से जो रेजोनेट होता है उसको सोचे और फिर करें। मम्मी सुना, मेरी मम्मी के आगे डॉक्टर फेल है। मम्मी की जो सहेली ऑन द स्पॉट इसके साथ बैठी है और इनको अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कोई शुगर की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जो बोल दिया वो अंतिम सत्य है। ले मैनू फलानी कहती है ऐ खा लो तो ऐ हो जाता है। ये सवाल मैंने आपके लिए पूछा था मम्मी। I wanted to ask Khan sir, कि आपका एक एपिसोड था ट्रेन के बारे में, कि ट्रेन में ऐसा क्यों होता है, शुरुआत में ऐसा हुआ था, ये यहाँ पर बोगी के लिए ये कनेक्शन, तो ये सोर्स क्या होते हैं आपके, कहाँ से? आपसे सुन लेंगे, उसके बाद खुद का चैनल शुरू करेंगे। कुछ चीजें तो ऐसे डायरेक्टली मिल सकती हैं, और नहीं तो वहाँ ऑन द स्पॉट जाके वहाँ पे पूछ लेते, जो वर्कर होते हैं ना उन लोग को ज्यादा आइडिया रहता है उन लोग से, वो पूछ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो ज्यादा ऑन कोशिश करते हैं कि हम किसी चीज को खुद से अगर जाने रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, तो कई बार वहाँ यार्ड वगैरह में भी चले जाते हैं पता करने के लिए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, हवाई जहाज पर भी बनाइए, आप कहती हैं तो उस पर भी बनाई देंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर कई बार ना माँ बाप भी, जो मैं ये कहूँगा कि उनकी गलती होती है कि अगर आप बच्चा आपका 4-5 साल का है, आप शुरू से उसके मन में डालना शुरू कर देते हो कि इस ये तो इंजीनियर बनेगा, हो सकता है बाप इंजीनियर हो, वो चाहता है कि, जरूरी तो नहीं है। अब मेरे पिताजी पुलिस में थे जी, मेरे मामा सब आर्मी में थे, मैं अकेला इस फील्ड में निकला है, मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट करती थी, ये कहाँ तक सही है सर? जी मेरे हिसाब से तो बच्चों पर कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, अगर एक खरगोश हो, एक बंदर हो, एक हिरन हो, एक शेर हो और एक मछली हो, उन सब को आप एक कतार में खड़ा कर दीजिए और उन सब के लिए एक ही टेस्ट हो कि आप पेड़ पे सब लोग कैसे चढ़ पाए। ओके, अब सबको एक टेस्ट कैसे दिया जाए? मछली तो आत्महत्या कर लेगी सोच के कि मैं तो कोई पास ही नहीं होंगी, ये मछली कैसे पेड़ पे चढ़ेगी? राइट। लेकिन कई बार ऐसे हो गया ना कि एजुकेशन सिस्टम ऐसी बन गई कि बस ग्रेड्स हो गए, सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, right. जो भी किया है, और वो भी जरूरी है, लेकिन वो करते करते बच्चों के जो इंटरेस्ट है, बच्चों के जो पैशन है, उसमें उनको एंकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पिताजी एक बार अपने बेटे को ऐसा चाटा मारे जोर से, तो पड़ोसी ने पूछा क्यों मार रहे जी? बोला कल रिजल्ट है इसका। कल रिजल्ट? तो बोले रिजल्ट कल है ना साहब, तो आज क्यों मार? कल बारगाह जा रहा हूँ, कल का काम आज निपट के करता। कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा कि अगर आप बच्चों को अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से नहीं देंगे तो ये चाटे ही खाते रहते, पर ये फेल ही होते रहेंगे। बात सुन। ओके। अच्छा विवेक सर का एक कहना है कि बच्चों का अगर 95% से ज्यादा मार्क्स आते हैं वो भी खतरनाक होते हैं, 75-85% वाले जो बच्चे होते हैं लाइफ में बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा। कभी किसी पेरेंट्स ने आके कहा कि आपकी वजह से मेरा 95% वाला बच्चा 75 पे आ गया? नहीं, बेसिकली 95% देखिए, स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, जो भी बताया, वो क्लासरूम बेस्ड कंसेप्चुअल थियोरेटिकल अप्रोच है, और उसमें बच्चे को क्या चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस सब्जेक्ट में 10 में से 3 आ रहे हैं उस पर फोकस करने की जगह वहाँ फोकस करो जिसमें 10 में से 7 आ रहे हैं, ताकि उसका सुपर स्पेशलिस्ट बने, पर वहाँ सब कुछ पोर किया जा रहा है, तो 95% के चक्कर में, 98% के चक्कर में अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर नहीं पाता है, और ये पुराने पैटर्न्स के कारण हमारे यहाँ बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं, और पैटर्न इतने मजबूत हैं। तो मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि बच्चे को जो उसको आता है, जो उसको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बच्चा इतना सफल हो जाता है कि उसके मुकाबले कोई और खड़ा नहीं हो पाता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। मैं देखो
ये पुराने बिलीफ तोड़ने जरूरी है. आप जानते हैं गाय दूध देती है, यस नो? यस नो. गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है. ये पुराना पैटर्न है भाई. ऐसे ही कामयाबी सफलता अपने आप नहीं मिलती है, वो भी निकालनी पड़ती है. तो ये लाइफ में कुछ पाने के लिए हमारे को कुछ खोना पड़ता है. वुड यू अग्री विद मी? यस नो? नो. कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है. तो ये हमारे बड़े पुराने पैटर्न है जी, क्योंकि डर के आगे नहीं होती है जीत, डर के आगे दर्द होता है. उसके बाद सीखे तो फिर जीत होती है. पर चक्कर क्या है, हमारे पुराने पैटर्न बड़े सारे बने हुए हैं. और वही पुराने पैटर्न के चक्कर में कि जितनी चादर उतना पैर पसारो. क्यों पसारो? डबल बेड की चादर लाओ, नई चादर लाओ, पैर बाहर निकालो, आगे बढ़ो. सो वी गॉट टू ब्रेक दोज पैटर्न्स. आगे निकलिए, बेटर बिलीफ्स डेवलप करिए, आसपास अच्छे लोगों की संगत रखिए, पैटर्न्स को बदलेंगे, चीजें बदलेंगे. जैसे अर्चना जी आप कह रही थी ना कि रेलगाड़ी के ऊपर कैसे वीडियो बनाया खान सर ने, ये एजुकेशन के साथ साथ कोई गंभीर विषय के ऊपर या कोई देश के ऊपर कोई ऐसा कुछ मुद्दा, कोई करंट टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं? Yes, I've seen. और मैंने सुना है कि आपको कोई धमकी वमकी, किसी हमला भी हुआ आपके ऊपर. Oh. Really? है क्या हुआ था? वो बम मार दिया था सर. है आपके घर पे? हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 ठो फेंक दिया सब. क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, नॉमिनल. अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है. फीस ही हो पूरे सिलेबस की 200 रुपये. हाँ, तो बाकियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा. अच्छा. हमको समझाएं, हम क्या, हमको क्या दिक्कत है? क्योंकि बहुत सारे लड़के जब हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, इंटरमीडिएट क्रॉस किए थे, तो हमारे साथ के कुछ लड़के पढ़ने के लिए चले गए थे दिल्ली, उनको यूपीएससी निकालने के लिए चले गए थे. हालांकि जो गए थे उनमें किसी का नहीं हुआ. तो हम लोग ना उनको जब स्टेशन छोड़ने आए थे, बड़ा भारी मन से हम लोगों ने विदा किया कि इन लोग के गार्जियन कितने पैसे वाले, इन्हें भेज दिए वहाँ, हम लोग के नहीं भेज सकते थे. तो ऐसे लाखों स्टूडेंट है जिनके गार्जियन नहीं भेज सकते. इनका मतलब गरीब होना कोई अपराध नहीं है, उसे कोई पढ़ाई से नहीं रोक सकता. बिल्कुल. तो हमने ठान लिया था कि कभी अगर मौका मिलेगा तो उसको हम जरूर कम करेंगे. तो इस साल हमको मौका मिला तो वो जो टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए. और सेम बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के साथ जो भी हैं, वो अपने सब्जेक्ट में उससे बेस्ट इंडिया में कोई नहीं. और इतना के बावजूद ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है. एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए. हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है. तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ इससे कई गुना जाते हैं. और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले. एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया. हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर. बहुत बढ़िया. उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा, उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे. आपका क्या बात. और अर्चना जी, मैं इनके बारे में एक बात, कुछ खान सर आपके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ. इनका जो स्टार्टअप है ये बूटस्ट्रैप्ड है. अच्छा. मैं साधारण भाषा में बता देता हूँ, ये सेल्फ फंडेड है. इन्होंने अभी तक किसी और से पैसा नहीं लिया है. ये इन्वेस्टर के पैसे से नहीं, इन्होंने खुद इसको बिल्ड किया है. और बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप है ये कि मैं कहूंगा कि अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना हो तो मैं इंडोर्स करता हूं ऐसे स्टार्टअप्स को. यही सब चीजों को देखते हुए कई लोगों ने धमकी भी दिया था वहां पर. अच्छा. और उसके बाद बम चला दिए और 7-8 बम चला दिए और कुछ ब्लास्ट हुआ. एक बेचारा नया नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया. वो आया था कहा कि सर हम तो पढ़ने आए थे, हमारा स्कूटी उड़ गया, हमारी ऑफिस उड़ा दिया सब. एक तो पास में आके गिरा. हाँ. और नहीं फटा वो. बाद में बहुत सारे लोग धमकियां दिए. लेकिन कहते हैं ना, सूरज कितना भी तेज चमक ले, समंदर नहीं सुखा सकता. वाह वाह वाह, क्या बात है. मैम एक्चुअली ये फीस कम करने का एक और रीजन है. हाँ.
2.5 लाख 3 लाख की जो फीस में सब लोग पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनका मेंटल लेवल तो बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन एक पूरे देश का मेंटल लेवल थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाता। तो जब फीस कम रहेगी तो हर वो लड़का तैयारी करने के लिए आगे आएगा जिसका सपना है देश के लिए कुछ करने का। सीटें लिमिटेड है, उन्हें को मिलेगी, लेकिन जिन्हें नहीं मिलेगी उसे मिलेगा देश का एक जिम्मेदार नागरिक। तो इस देश को बदलो। हम लोग विश्व गुरु कहे जाते थे, क्यों? क्योंकि दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए थे। चाइना से हैनसांग आया, फायान आया, आज कोई नहीं आता है। हम लोग का उद्देश्य एक समय आएगा जो फिर आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। क्या बात है। पर आप देखो अर्चना जी, सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस बिहार से निकलते हैं। आप देखो पढ़ाई लिखाई में पॉलिटिशियन बहुत बड़े बड़े निकले हैं। ऐसा नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है वहाँ पे, इंडस्ट्री नहीं है, खेती करेगा तो कोई खास वो नहीं रहे, ऑप्शन भी नहीं है। सही बात है, बिहार की मिट्टी में एक चीज है, जिद तो बहुत जबरदस्त है। कुछ भी नहीं रहेगा तो सब कुछ पाने का उसको जिद रहेगा, करके भी दिखा देगा वहाँ पे, कर देंगे हम आपको। विवेक सर, आपके बारे में हमने सुना, एक बार आप संन्यास लेने चले गए थे, कौन वापिस लेके आया आपको? फिर कहाँ तक पहुँच गए थे आप? नहीं, मैं एमबीए की पढ़ाई के बाद मैं ये सोचा था कि अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दूं। अच्छा। बहुत साल मैं वृंदावन में रहा था और गुरुकुल में रहा था। अच्छा। और वहाँ सेवा करना, बहुत अच्छी शिक्षा मिली। मैं बोलता हूँ मेरी असली एमबीए वही थी, मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन। और मैं वहाँ भगवद गीता पढ़ी, जहाँ मुझे गीता से लगाव हुआ। तो मेरे गुरु जी का आदेश था कि आप भगवद गीता को बिजनेस मैनेजमेंट के साथ जोड़ के देश दुनिया में बताओ। मेरे को लगा बड़ा मुश्किल काम है। मैंने बाद में देखा कि डॉक्टर स्टीफन कोवी, जिनकी किताब है 7 Habits of Highly Effective People, आप सबने पढ़ी होगी, उन्होंने बोला मैंने 7 हैबिट भगवद गीता से लिए। और हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो मेरी किताब पढ़ते हैं, जो कि 3.5 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं, और भारत में भगवद गीता नहीं पढ़ते। तो मुझे लगा कि मैं गीता विद मैनेजमेंट के ऊपर आकर के बातचीत करूं। मुझे लगा बहुत कठिन होगा, पर मेरे गुरुजी का आदेश था कि कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखोगे। तो एक छोटा उन्होंने मुझे बताया, पूछा कि इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह है, देखो आप भी एक बार जरा देख के बताओ, कुछ 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है यहाँ पे आपको। एक, ये दो, वो लाल रंग टी शर्ट पे, 3, 4, 5, ये लाल Apple, हो गया 6, उधर लाल हो गया 7, एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक सा। पर जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। नो। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसी सोल्यूशन पे फोकस करो और गीता के मैसेज को पहुंचाओ। तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स कॉर्पोरेट्स में करने शुरू किए, क्योंकि गीता पहला मोटिवेशनल सेमिनार जो पृथ्वी के इतिहास में कपिल जी हुआ, वो कृष्ण ने दिया था। पहले मोटिवेशनल स्पीकर इस पृथ्वी के इतिहास के कृष्ण थे, जिन्होंने अर्जुन को रणभूमि में मोटिवेट किया था। बड़ी पेशेंस कृष्ण ने अपने लीडरशिप क्वालिटी से दिखाई, वो मुझने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, वो चर्चा ने इंस्पायर किया, वो डिस्कशन ने इंस्पायर किया। तो उस डिस्कशन को मैं आज भी लेके चलता हूँ अपने साथ। खासकर हमने सुना है आप 5-स्टार में रुके थे कल, और नीचे जाके वड़ा पाव खाने गए आप रेहड़ी पे। एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ जो चीज़ें सीखने को मिलती है ना, खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता एक्चुअली। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में, कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते। हाय हाय हाय, क्या बात है। और खानसर की खासियत ये है कि जिसको तो पढ़ना है, जिसको एजुकेशन चाहिए, वो तो इनका वीडियो देखते हैं, लेकिन वैसे भी कई लोग, जैसे अर्चना जी बात करी थी, कहती मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने बैक टू बैक इतने सारे वीडियोस देखे, क्योंकि आपका जो तरीका, जो बोलने में, एक तो इनकी जो टोन है पढ़ाने में, और साथ साथ में जो ह्यूमर आता रहता है, तो उसकी वजह से और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आपके वीडियो। शुरुआत में हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, या हम कई स्टूडेंट को भी देखते हैं, वो बेचारे जब थक जाते हैं तो आपका शो देखने लगते हैं। तो शुरू शुरू में हमको लगता था जब इसमें कि अरे ये हमारी पढ़ाई उसके लिए है, लेकिन पढ़ाई में थक जाता है, शो देख के नहीं थक जाता है। तो हमने सोचा दोनों को मिक्स कर देते हैं। अच्छा। तो हमने उसको, और आज आपको पता नहीं हमने भी यही किया है। मिक्स करने, हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, एक एजुकेशन की, दूसरा सिस्टम की। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते विवेक जी, नमस्ते खान सर। अच्छा लग रहा है, वाह, आप लोगों से मिलकर ना, आप हम मर सकते हैं। वाओ, मरो फिर।
ये नहीं, कैसी बातें कर रही हो गुड़िया तुम? हम कह रहे हैं हम इंड पे मर सकते हैं। आप पटना से है ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। हाँ। बस कोई पटाने वाला चाहिए। नहीं मजाक नहीं कर रहा है, आपका जो चैनल है हम दिन में 10 बार आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दिन में? अरे हाँ, और बेल आइकन तो हम इतने जोर से दबाते हैं कि बाकी यूट्यूब वाले बाहर निकल के देखते हैं कि ये कौन है जिसने इनका चैनल इतना जोर से दबा दिया बेल आइकन। बुढ़िया तो शर्म नहीं आती है, आते ही फ्लड शुरू कर दिया ना तूने। तो जाते हुए करते हैं क्या? विवेक जी नमस्ते। आपसे एक काम था छोटा सा, कर देंगे आप? ये क्यों करेंगे? नहीं गुरु जी, हमेशा आपने वीडियो में कहते हैं कि विवेक से काम लो, विवेक से काम लो। विवेक मतलब दिमाग से काम लो आप। हाँ तो विवेक जी अपने दिमाग से ही काम लेंगे, बहुत दिमाग है उनके पास। ये देखिए जो आदमी आपको मैं बताइए, जो आदमी बिना फिल्म किए कपिल शर्मा शो में आ गया, कितना दिमाग होगा उसके पास। लेकिन एक बात है जिसकी वजह से मैं आप तीनों से नाराज हूँ। क्यों, क्या बात? हर चीज में मोटिवेट 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 क्या होता है? सच कह रहा है, जब भी ये शब्द सुनते हैं हमें लगता है कोई हमें चिढ़ा रहा है। बदल दीजिए ना, खाली मोटिवेट बोलना है क्यों जरूरी है, कुछ और कीजिए। रोटी वेट, छोटी वेट, पतली वेट, कुछ भी बोलिए, मोटिवेट हटाइए। तो गुड़िया तू भी एक्सरसाइज किया कर ना, देख डॉक्टर साहब ने कितना वजन कम किया है, तू भी कर ले। ठीक है फिर मोटिवेट से ही चला लेंगे। लेकिन मोटिवेशन कोई बुरा बात नहीं है, हमारे दादाजी भी वैसे बहुत मोटिवेट करते थे। हाँ एक बार तो तालाब में डूब रहे थे हमारे दादाजी। हाँ। हमारे पास रस्सी भी था, ट्यूब भी था, फिर भी हम अपने दादाजी को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने उनकी ओर तिनका फेंका ना, वही कहते थे डूबते को तिनका का सहारा काफी। नहीं लगा सहारा दादाजी, बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़। गुड़िया तू क्या करने आई इधर? अरे हाँ हम क्या करने आए हैं, एक पूछना था सर खान सर, ये जो हमारा एक चाचा का लड़का है उसको क्या है, थोड़ा पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है, तो 12वीं का पढ़ाई आप उसको अच्छी तरह करवा के 12वीं पास करवा देंगे आप? करवा देंगे, वेरी गुड, बात कर लेते हैं। हाँ राम सरोवर, देखो हमारा बात हो गया है, ये 10वीं जो तुमसे नहीं दिया जा रहा है ना वो नहीं देना है। टेंशन नहीं है, 10वीं का खान सर से बात हुआ, ये सीधा 12वीं पढ़ा के पास कर देंगे। अरे ऐसे नहीं होता, पहले 10वीं पास करनी पड़ेगी फिर 12वीं होगी ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस। हमारे मौसा जी थे। हाँ। उनसे ना 10वीं हुई ना 12वीं हुई। हाँ। अभी 3 दिन पहले सीधा उनकी 13वीं हुई। एक्चुअली क्या है, पढ़ाई लिखाई का हमको बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं, गाँव में पढ़े है ना सर, स्कूल कहाँ होते थे अर्चना जी, गांव में स्कूल नहीं था। पेड़ के नीचे पढ़ते थे हम। यहाँ तक कि हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, हमारे मोहल्ले की जो भैंसिया थी उसको खड़ा करके टीचर उसके ऊपर लिख के पढ़ाती थी। मजाक नहीं कर रहे हैं, और आप तो समझ रहे हैं अभी ब्लैक बोर्ड की एक अटैच डस्टर था ब्लैक बोर्ड का, समझ रहे हैं ऐसा, वो पीछे से आता था लिखा हुआ मिटाता था और चला जाता था। ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार क्या हुआ, हमारा स्कूल शुरू हुआ, शुरू होते ही 2 महीने के लिए छुट्टियां हो गई। क्यों? ब्लैक बोर्ड ने बछड़ा दिया था ना। तो वैसे आप लोग ना इतने ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछे। एक बार ना चार दोस्त साम दाम दंड भेद, वो डिसाइड करते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं, तो टीम्स बनाते हैं, तो साम दाम ने एक टीम बनाया, इस पे भेद को बहुत गुस्सा आया, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि भेद को दंड मिला ना। ये सिर्फ हस्ती नहीं है सर, थोड़ा सा पेट्रोल पिला दो स्टार्ट भी हो जाती है। इतना है क्यों, और भी बता दीजिए, जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास नहीं मैकेनिक के पास जाते हैं, और डिटेल दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये बोलते हैं खाली। लेकिन अभी एक रिक्वेस्ट था सर, हमारा एक भाई है पुरुषोत्तम नाम है उसका, वो गांव से आया हुआ है, आप लोग थोड़ा उससे सब बातचीत करेंगे, थोड़ा उसको प्रोत्साहन देंगे। और शर्मा जी हाँ। आपसे भी एक रिक्वेस्ट था, आपसे हमने कभी कुछ मांगा नहीं है, पुरुषोत्तम आएगा ना एक बार बस उससे कह दीजिएगा, पुरुषोत्तम तुम कितने हैंडसम हो। मैंने देखा ही नहीं अभी तक था। तो देख के बस बोल दीजिएगा तुम कितने हैंडसम हो, ऐसा बोल दीजिएगा प्लीज। ठीक है हम बुला लेते हैं पुरुषोत्तम।
बात तेरा भाई बड़ा हैंडसम है तो हमारे खानदान में सब हैंडसम है, ज्यादा चापलूसी करने का जरूरत नहीं है। देखा हमारा यहाँ पे कितना चलता है। एक नंबर दीदी, एक नंबर। सब लोग हैं, नमस्ते कर दो। ये बड़ा अच्छा लड़का है, गांव में ना भैंस चराता है, इसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए ना। नहीं तो मतलब भैंस चराता है तो मोटिवेट करके क्या होगा, शेर चराएगा बाद में। अरे शेर चराएगा तो शेर इसको चर नहीं जाएगा। नहीं नहीं ऐसे हम खाली कह रहे हैं, तुम्हारा चेहरा थोड़ा बकरी जैसा है ना, तो वैसे ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इनको बताओ कहाँ क्या बनना चाहते हो जीवन में आगे। एचआर। अरे वाह, देखे कोई बड़ा कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स का काम करेगा ये। अरे एचआर मतलब दीदी ऋतिक रोशन, दिन। जूता पहनने का काम किया करो, जूता खाने का नहीं। काम किया है, कुछ बड़ा किया है लाइफ में? किया ना दीदी, एक बकरी के बच्चे को बड़ा किया है। क्या जिराफ बना दिया बकरी के बच्चे को? अरे कुछ अलग किया है। हाँ दीदी अलग किया है, वही बकरी का बच्चा भैंस का दूध पीने जा रहा तो हमने उसको अलग किया है। इससे नहीं होगा, मैं रहने दो, इधर आओ, ये देखो इतना बड़ा बड़ा लोग बैठा है, इनके सामने ऐसा बातें करोगे, इनसे मिलो इनसे मिलो। ए, विवेक जी तो कितना मार्केट के बारे में भी जानते हैं, मार्केट का कोई सवाल पूछो इनसे। सर परसों जो है मार्केट में हमारी साइकिल गायब हो गई, आपने देखा है क्या? हमारी साइकिल गायब हुई ना। हाँ। इसलिए दिमाग से पैदल हो तुम, पैदल समझते हो। हाँ। चल लोगे? हाँ। 20 कदम चलोगे? हाँ। घूमो जरा, अभी 20 कदम चल के दिखाओ। निकला, सॉरी माफी चाहेंगे, चलिए चलते हैं। नमस्ते। तो गुरुजी, डॉक्टर साहब, खान सर, आज हमारे जो मेहमान यहाँ पे आए हैं इनके कुछ सवाल हैं, तो ये आपसे पूछना चाहेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी जी, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैडम। नमस्ते कपिल सर। नमस्ते मैम। आज आपका शो देख के बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैं शो पर आई हूँ, लेकिन रियली जो मैंने यहाँ अनुभव प्राप्त किया है वास्तव में कहीं नहीं किया। अरे शुक्रिया शुक्रिया। कहाँ से हैं मैम आप? मैं खारघर से आई हूँ, नवी मुंबई। अच्छा जी। और मेरा नाम कविता अग्रवाल है। मेरा प्रश्न गोपाल सर से है। मेरे घर में कोई समस्या नहीं है, मेरे बेटे की अभी शादी हुई है और मेरा बेटा भी प्यारा है, लेकिन उसके साथ उसकी दुल्हन भी बहुत प्यारी आई है, लेकिन समस्या और लोगों को है। वो जब मेरे जानने वाले हैं बार बार पूछते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं समझ नहीं पाती, वो इंटरेस्टेड रहती हैं कि कुछ हो रहा है क्या घर के अंदर। नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसका जवाब मैं लोगों को कैसे दूँ ये नहीं समझ आ रहा मुझे। वही चार लोग हैं गुरुजी। इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी का मतलब होता है अपनी जिंदगी जीना। और दूसरों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो उसमें कई ऐसी चीजें होती है कि दुनिया को हमको सब कुछ अपने जीवन के बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत, उनको बताना ठीक ठाक है, लेकिन अगर सबको हमारे जीवन के बारे में बताने लगेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। तो अगर कोई बोले आपके घर में समस्या है, नहीं है, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बस ये डिप्लोमेटिक आंसर्स हुए। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसके साथ हमारा रिश्ता बड़ा गहरा हो, उनके साथ तो हम अपने दिल की बात खोल के करेंगे ना। और इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जो सुख में हमारा साथ देते हैं ना वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में हमारा साथ देते हैं ना वो फरिश्ते होते हैं। हाय हाय। किस दिन गलत बोल देना आप। अच्छा। उनका बड़े झगड़े चल रहे, तलवारें चली गलत। फिर देखना क्या मजे लेते हैं, फिर देखना उनका रिएक्शन क्या है। धन्यवाद मैम शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हेलो कपिल। हेलो सर। मेरा नाम अमित शाह है और मैं सिएटल यूएसए से आया हूँ जस्ट आपके शो के लिए। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है शाह साहब आपका। मैं और मेरी वाइफ गुरुजी के वीडियोस बहुत फॉलो करते हैं। अच्छा जी। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आदमी ने झुक के रहना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तो सिचुएशन ऐसी है कि गलती मैं करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, गलती मेरी वाइफ करती है, फिर भी मैं ही माफी मांगता हूँ। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी जो सीख है कि माफी मांगते रहना चाहिए, वो सिर्फ पतियों के लिए है या पत्नियों को भी लागू पड़ती है? बिकॉज उन्होंने, इसने तो आज तक माफी नहीं मांगी मुझसे। आज इस एपिसोड के बाद घर जाके आपको फिर मांगनी पड़ेगी। एक और ऐड होगी आपकी। मैं कई बार कहता हूँ कि a man who says sorry
when he is wrong, is honest. A man who says sorry when he is not sure is wise. And a man who says sorry even when he's right is called a husband. लेकिन jokes apart, मैं कई बार कहता हूँ इस बात को, रिश्ते झुकने से यदि आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ. क्या बात है, बहुत अच्छी बात है. झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ. नाउ सॉरी बोलना, अपॉलोजी, माफी मांगना, ये सब के लिए एप्लीकेबल है. इसलिए कई बार कहते हैं कि मैंने कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, कभी किसी से माफी मांग ली और कभी किसी को माफ कर दिया. वाह, शुक्रिया शो में आने के लिए. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब. माय नेम इज राजेश तिवारी, सेम कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मेरे गुरु भी यहीं पर हैं. मेरा गुरुजी से सवाल है सर. समस्या ये है कि सर, जब मैं घर आता हूँ ऑफिस से थक हार के, सेल्स वाले प्रोफाइल पे हम लोग, अच्छा, तो जब घर पहुँचते हैं तो वाइफ का कभी कभी मुँह है ना सूजा हुआ दिखता है. सूजा गुब्बारे जैसा मुँह क्या हो गया? तो पूछ लेता हूँ, भाई क्या हुआ है आपको? तो वाइफ कहती है, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे. अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ, अब क्या करूँ. फिर 5 मिनट के बाद फिर से जाता हूँ, पूछता हूँ, भाई क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? तो बोलती है, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे. तो ये सर समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम नहीं पूछूंगा तो भी प्रॉब्लम है. आप समझना चाहते हैं? हाँ. तो समझ जाइए फिर कि आप कभी नहीं समझोगे. ऐसा नहीं. हेलो हेलो कपिल सर, आप ही हैं वो जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं? हाँ हाँ. आज फिर सूझेगा मुंह देखना आप. सर आज भी इनका अफेयर कम नहीं हुआ है. अफेयर के बाद घर में इतनी रौनक आ जाती है, परफ्यूम, सॉन्ग चेंज हो जाता है सब. अफेयर के बाद? अफेयर? हाँ. कौन से अफेयर के बाद? सर इनका अफेयर होता है बिजनेस के साथ. मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट अफेयर है, ये कहती है कुछ और अफेयर है. ओहो, आपका आपसी मसला है, हमको नहीं पता. इसमें तो सारे डर रहे कहीं हमसे ना पूछ ले. हम नहीं जवाब देंगे सवाल. इसमें तो गुरुजी भी इधर उधर देखने लग गए कहीं ये सवाल हमसे ना पूछ ले. बिंद्रा साहब इधर देखने लग गए. मेरा गुरुजी से सवाल है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए. पहले कई बार ऐसा हुआ करता था, मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ पहले माहौल. जी जी जी. मुझे तो खुद के माइंड को हल्का करना पड़ेगा. पहले ना जब लड़के किसी को प्रपोज करते थे तो बड़ी ऐसी स्पिरिचुअल भाषा में प्रपोज किया करते थे. कि वो लड़की को लड़का कहेगा, मैं शरीर हूँ, तू मेरी आत्मा है. ऐसा टाइप का एकदम स्पिरिचुअल सेंटी टाइप. अभी 2023 में डायलॉग बदल गया. वो कहता है, मैं स्मार्टफोन हूँ, तू मेरी सिम कार्ड है. और लड़की कहती है, मेरी ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है कि तेरा स्मार्टफोन ड्यूअल सिम कार्ड वाला नहीं हो. सर गॉट द आंसर. तो आपका जवाब तो मिल गया होगा इस सवाल का. लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए जी, कि रिश्तों में कई बार गलत फहमियां बहुत हो जाती है. क्योंकि भारत में मैंने देखा है, हमारे रिश्तों में ना हम दूसरों की बातें सोचते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ मिलके बैठ के समझौता नहीं करते, समझ नहीं पाते एक दूसरे से. और उन गलत फहमियों से निकलने के लिए बैठ के बात करने की जरूरत होती है. सर आपने जो भी कहा है एकदम सही कहा है. हमारी शादी को 20 साल हो गए ऑलमोस्ट. हाँ. और जब प्रॉब्लम्स होती है तो ये समझ के ले लेती है बहुत बार, तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है. कभी मैं समझ के ले लेता हूँ तो आगे. फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो इसी तरह चलते रहता है. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, चल रहा है ना, बीच भी निकल गए, आगे भी निकल जाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए. शुक्रिया दोस्तों. आज हमारे साथ एशिया की पहली फादर डॉटर की ऐसी जोड़ी मौजूद है जिन्होंने वर्ल्ड की 7 सबसे ऊंची चोटियों के शिखर तक पहुंचने का रिकॉर्ड बना के भारत का नाम रोशन किया है. आप सबकी तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा पद्मश्री अजीत बजाज साहब और उनकी सुपुत्री दिया बजाज. हेलो दिया, वेलकम वेलकम. बजाज सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है सर, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू. और बताइए सर अपने बारे में कि कैसे शुरुआत हुई. व्हेन आई गॉट इनटू एडवेंचर आई वाज ब्लेस्ड. द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी इन माय लाइफ वाज माय टू डॉटर्स. दे आर बोथ हियर विद मी, दिया एंड मेघना, एंड ऑल्सो माय वाइफ.
अभी आप बहुत कुछ कह रहे थे और अगर मैंने वाइफ का नाम नहीं लिया तो घर तो जाना है सर। पहाड़ तो चढ़ गए, घर की सीढ़ियां कैसे चढ़ोगे? देखिए, as parents, we have to introduce our children to various diverse fields. क्योंकि मैं एडवेंचर में था, मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ स्कीइंग जाती हैं, हम स्कूबा डाइविंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं। दिया इज इनटू एक्सट्रीम एडवेंचर, एवरेस्ट चढ़कर तिरंगा फहराकर बहुत खुशी हुई। क्या बात है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यू नो एवरेस्ट जब हम चढ़े एक फादर डॉटर टीम, हम इसलिए चढ़ रहे थे क्योंकि हमारा एक मैसेज था हमारी पूरी देश के लिए कि हम बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू दिया, सो प्राउड ऑफ यू गर्ल। थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार ताले हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। गुरुजी, डॉक्टर साहब, खान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए यार। और इतनी मजेदार बातें और इतनी ज्ञान की बातें सुनने को मिली। आई एम श्योर बहुत सारी बातें जो हम कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में वो अप्लाई कर सके और खूबसूरत बनाए उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शो में आने के लिए। और आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।